हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं सर्वेइंग की सेवन फर्स्ट यूनिट की सेवन्थ लेक्चर में। जैसा कि हम लोग देखे थे कि पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे मेथड ऑफ लाइनर मेजरमेंट। हम लोगों ने देखा था कि मेथड ऑफ लाइनर मेजरमेंट में क्या क्या हम लोगों ने देखा था, जो है पेसिंग देखा था, पेसोमीटर देखा था, और भी चीज़ें थी जो है हम लोगों ने देखा था उसमें। अब आज हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट में हम लोग दो तरीके से निकालते हैं, दो उपकरण के ही, क्योंकि वो एंगुलर मेथड हम लोग नहीं नाप सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है उपकरण ही नाप सकती है। तो उपकरण में हम लोग देखेंगे कि दो तरीके के उपकरण आता है। एक पहला तो हम लोग कंपास द्वारा, और दूसरा हम लोग देखेंगे एक बॉक्स स्टेंस होता है, बॉक्स टेंट एंड थियोडोलाइट। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, उपकरण ऐसे हैं। कंपास एक सुई नुमा रहता है जिसमें दिशा भी बताती है और आप कोण भी नाप सकते हैं। तो कंपास जो है हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में, हो सकता है हम आपको लाइव वीडियो से ही दिखा दें, या जब भी ऑफलाइन क्लास चलेगी तब आपको हम दिखा देंगे। आपकी डिमांड पे हम इसी ऑनलाइन से मेथड से हम दिखा सकते हैं, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जो है कंपास हमारा जो है एक दिशा देखने का बना था कंपास, जो आप लोग शायद मोबाइल में भी आजकल तो ऐप के माध्यम से आप कंपास, लेकिन हम लोग जो है कंपास जो है एक तरह से उपकरण है, उससे हम लोग एंगुलर मेजरमेंट करते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे बॉक्स स्टेंस और थियोडोलाइट। ये भी दोनों एक ऐसे उपकरण हैं जो आपका ऊर्ध्वाधर एंगुलर मतलब कि कोण नापने का, कोई भी कोण है, मान लीजिए कि हमारा कोई भी एक मीनार है, मान लीजिए कोई एक मीनार आपके पास है या चिमनी है, तो इस चिमनी का मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं तो आप इसके शीर्ष से और ये दूरी यहाँ सॉरी ये और इसके तल से और शीर्ष के ये कोण देखना हो, तो ऐसे तो आप हाइट जो है आप पढ़े होंगे उसमें ट्रिग्नोमेट्री में कि एच बराबर निकालने के लिए आप निकाल सकते थे, लेकिन ऐसे मान लीजिए उपकरण द्वारा तुरंत हम लोग निकालने जाएँ तो हम लोग बिना उसके इसके हाइट निकाले हुए आप इसका एंगल निकाल सकते हैं, यानी थीटा का मान इस उपकरण के द्वारा। तो हम लोग जो है ऊर्ध्वाधर कोणों की बात ही कर रहे थे। तो ये दोनों मेथड है, आप दोनों को लिख लीजिएगा। बाकी जो है जब आगे आएगा कंपास हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली बस उसमें लिखा ही पढ़ाई ही हो, उसके साथ साथ हम प्रैक्टिकल भी कराएंगे कि कैसे कोणों को नापा जाता है। अब आते हैं हम लोग यूनिट, वो चाहे लाइनर मेजरमेंट हो या एंगुलर मेजरमेंट, तो उसमें हम किस में नापेंगे, कोण तो निकालेंगे तो वो किस में नापेंगे और लाइनर मेजरमेंट करेंगे तो किस में नापेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं लाइनर मेजरमेंट। अब आप एक हेडिंग डालिएगा कि यूनिट, लाइनर मेजरमेंट यूनिट, कि जो हम लोग रेखीय मापन लेंगे उसकी यूनिट देखेंगे। तो हम लोग क्योंकि जैसा कि हम लोग शुरू से ही पढ़ते आए हैं, हम लोग जो है किस यूनिट में निकालते हैं, किस पद्धति पे निकालते हैं, MKS में निकालते हैं, और देखते हैं ब्रिटिश एक प्रणाली होती है या ब्रिटिश जो है सिस्टम होता है, इन दोनों सिस्टम से हम लोग निकालते हैं जैसे आवश्यकता हो। क्योंकि बहुत जगह जो है जैसे खेत वगैरह नापना हुआ तो आप ब्रिटिश प्रणाली यूज करते हैं, वहाँ पे मीटर नहीं चलता, फिर गज में आप देखते हैं, और दूरी निकालनी हो कोई भी डिस्टेंस निकालना हुआ तो वहाँ पे आप मीटर देखते हैं। तो दोनों यूज करते हैं, हमारे अभी प्रचलन में इंडिया में है दोनों। तो हम लोग एक तरफ डालेंगे हेडिंग क्या MKS, दूसरी तरफ देखेंगे ब्रिटिश सिस्टम। तो MKS में हमारा जो है आप देखे होंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना mm, यानी 10 mm बराबर क्या होता है 1 सेंटीमीटर,
और आपका 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर होता है। 1000 मीटर बराबर कितना, 1 किलोमीटर होता है। और आपका 1853 मीटर बराबर होता है 1 समुद्री मील। समुद्री मील क्या होता है, 1 समुद्री मील, ये भी एक नापन का इकाई है। समुद्री मील एक नापन की इकाई है, आप खाली लिख लीजिए समुद्री मील जो है कि ये एक मापन की इकाई है, जो हम लोग समुद्र वगैरह में नापने की कोशिश करते हैं कितने समुद्री मील हमको जाना है। तो ये हमारा जो है क्या है, MKS में हम लोग नापते हैं। और भी है इकाइयाँ बहुत सारी हैं, मैं आपको PDF के माध्यम से आपको भेज दूँगा, लिखने पे बहुत समय भी जाएगा और प्लस आप इसमें समझाना तो है नहीं, सिर्फ याद करना है कि हाँ इतना है, इतना इतने फुट बराबर। अभी आते हैं हम लोग ब्रिटिश प्रणाली में, इसमें क्या फुट में नापते हैं हम लोग, किसमें फुट में नापते हैं। जैसे 12 इंच बराबर 1 फुट, फुट आप लिख सकते हैं फुट या फिट, 1 फुट। और आप 3 फुट बराबर, 3 फुट हिंदी में लिख दे रहा हूँ, 3 फुट बराबर क्या होता है, 1 गज होता है। 1 क्या होता है, गज होता है। और 220 गज बराबर, 220 गज बराबर, 220 गज बराबर 220 गज बराबर 1 फरलांग होता है, 1 फरलांग होता है, ठीक है, 1 फरलांग होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपका जो है MKS और ब्रिटिश में, आप इसको नोट कर सकते हैं और जो भी होगा मैं PDF के माध्यम से आपको हम भेज देंगे। इसमें जो है एक चीज़ और है, इसमें 8 फरलांग बराबर 1 मील होता है, 1 मील होता है, ठीक है। अब इसको 8 फरलांग है यानी इसको फिट में अगर 1 मील को निकाला जाए फिट में तो कितना आएगा, 220 तो गज है हमारा 1 फरलांग में, तो 8 इससे 220 में 8 का गुणा कर देंगे तो उतना फिट या उतना गज आ जाएगा, सॉरी उतना गज आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फुट में भी चेंज कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा गज में देखेंगे, 8 × 16 = 0 और 8 × 16 = 17 1760 गज आएगा। अब इसको फिट में चेंज करना हो तो गुणे 3 से गुणा कर देंगे हम लोग, 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा फिट में, 0 × 18 हासिल 1 7 3 21 22 2 3 1 2 5 5280 फिट बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 मील हो जाएगा। तो आप लोग जैसे सुने होंगे ना कि 1 मील 2 मील, तो ये चीज़ें हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। बाकी हम जो है आपका क्या कहते हैं उस PDF के माध्यम से भी और भी बाकी जो यूनिट हैं वो मैं भेज दूँगा। अब आते हैं, ये तो हमारा था लाइनर में जो है यूनिट, लाइनर मेजरमेंट का यूनिट था। अब हम लोग देखेंगे एंगुलर मेजरमेंट, यही दोनों चीज़ आज के लिए बस पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को स्केल पढ़ाएंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है पूरे सर्वे में, जो है स्केल के माध्यम से ही आपको लिखना है। अब हम लोग देखेंगे, ये यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। अब आते हैं हम लोग एंगुलर मेजरमेंट यूनिट, एंगुलर मेजरमेंट यूनिट्स, चलिए एंगुलर मेजरमेंट को जैसा कि हमको पता है कि हम लोग थीटा में उसको निकालते हैं, थीटे में हम लोग उसको निकालते हैं, जैसे हम लोग रेडियन में निकालते हैं या थीटा में निकालते हैं। तो हम लोग देखेंगे एंगुलर मेजरमेंट में जो रेडियन होता है वो 2π बराबर होता है 2π रेडियन बराबर 360 डिग्री। ये है हमारा जो है 360 क्या है,
डिग्री, इसी के आधारित हम लोग पूरा जो है मेजरमेंट हम लोग निकालते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग, एक रेडियन बराबर क्या हो जाएगा 27 डिग्री, एक रेडियन बराबर 27 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड। यहाँ पे तो आपने देखा डिग्री में निकल गया, क्योंकि कोण आप जानते ही हैं कि डिग्री में है। अब यहाँ पे सेकेंड और ये कैसे आ गया? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक मिनट बराबर या एक घंटे बराबर कितना होता है, एक घंटे बराबर 60 मिनट, एक मिनट बराबर क्या होता है, एक मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो ये हमारा जो है इसी के आधारित हम लोग मेजरमेंट निकालते हैं। वो कैसे होगा आगे हम जब इस पढ़ाएंगे स्केल, या आगे जो भी आपके सामने आएगा वो हम आपको बताएंगे वहाँ पर कि कैसे हम लोग नापते हैं या कैसे हम लोग इसको जो है यूज करते हैं। आज के लिए बहुत बस इतना ही, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते भी रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, स्केल। धन्यवाद।